एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव रिलेशन लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लेजेंड्रे बहुपद होता है पी एन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टू द पावर एन फैक्टोरियल एन डी एन और डी एक्स एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन। इसका रिकर्सिव रिलेशन हमारे काम का है। तो इसका रिकर्सिव रिलेशन क्या है? तो वह है एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स। इसमें यदि हम एन किस गए एम माइनस वन लिखें तो एन प्लस वन किस गए हो जाएगा एम पी एन प्लस वन किस गए हो जाएगा पी एम इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन किस गए हो जाएगा टू एम माइनस वन एन किस गए एम माइनस वन एन किस गए एम माइनस वन और एन माइनस वन किस गए एम माइनस टू। और अब ये यूजफुल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P हमें पता है P0 x की वैल्यू 1 होती है और P1 x की वैल्यू x होती है। मतलब n की वैल्यू 0 है तो P0 हमेशा 1 रहेगा कॉन्स्टेंट एंड n की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू जो इनपुट वैल्यू है वो ही रहेगी। और अदरवाइज इस रिकर्सिव फॉर्मूला से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पी एन एक्स की जनरल वैल्यू हो जाएगी 1 इफ n इज इक्वल्स टू 0 x इफ n इज इक्वल्स टू 1 एल्स इट इज टू एन माइनस वन एक्स पी एन माइनस वन एक्स माइनस एन माइनस वन पी एन माइनस टू एक्स और ऑल अपॉन एन। अब हम इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला है। और इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से होगा? तो यहाँ मैंने फंक्शन नाम दिया पी एन। इसमें दो इनपुट पैरामीटर्स हैं। पहला है डबल एक्स, जो एक्स इनपुट पैरामीटर जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का होता है, और जो सबस्क्रिप्ट में एन होता है उसको भी मैंने इनपुट पैरामीटर के रूप में लिया है यहाँ इंट एन। और फंक्शन के अंदर क्या लिखा? इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो रिटर्न वन एल्स रिटर्न वन। यदि इफ एन इज एन की वैल्यू जीरो है तो ये रिटर्न वन करे, यदि एन की वैल्यू वन है तो ये रिटर्न एक्स करे। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको लिख दिया टू एन माइनस वन टू स्टार एन माइनस वन स्टार एक्स स्टार पी एन एक्स एन माइनस वन। मतलब इसी फंक्शन को कॉल किया लेकिन एन पर नहीं, एन माइनस वन पर, और फिर माइनस एन माइनस वन स्टार पी एन इसी फंक्शन को फिर से एन किस गए एन माइनस टू के लिए कॉल किया और फिर पूरे को डिवाइड कर दिया एन से, ये रिटर्न करे। यहाँ पर एन की वैल्यू कम होते होते जीरो या वन में से पहुँचेगी क्योंकि हम एन माइनस वन एन माइनस टू लेते जा रहे हैं, ये फंक्शन कॉल होते जाएंगे। तो ये इसकी टर्मिनेशन वैल्यूज भी हमने दे दी हैं। हम प्रोग्राम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें प्रोटोटाइप ये फंक्शन ले लिया जिसमें एन इक्वल टू जीरो पे रिटर्न वन करता है, एन इक्वल टू वन के लिए रिटर्न एक्स करता है, अदरवाइज ये रिटर्न करता है जो भी रिकर्सिव फंक्शन से हमें वैल्यू मिल रही थी। यहां पर ये जो फंक्शन मेन फंक्शन है उसमें हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? तो मेन फंक्शन में एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, फिर प्रिंट कर रहा हूँ एक्स पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री, और फिर एक लूप में एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन विद डिफरेंस पॉइंट वन ये वैल्यूज ले रहा हूँ। और हालांकि ये वैल्यूज एक्स को इंटीजर के रूप में लेना चाहिए, काउंटर वेरिएबल इंटीजर लेना चाहिए, अभी मैं रियल नंबर ही ले रहा हूँ, ये अच्छी हैबिट नहीं है। और बाद में प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट स्टेटमेंट में पहले प्रिंट कर रहा हूँ परसेंटेज 4.1 LF। LF का मतलब ये डबल नंबर है, हालांकि डबल को एफ से भी प्रिंट कर सकते हैं। और परसेंटेज 4.1 का मतलब है ये फोर डिजिट्स में इसको प्रिंट करेगा, जिसमें दशमलव के बाद में पॉइंट के बाद में एक डिजिट प्रिंट करेगा। उसके बाद में एक टैब दे रहा हूँ, उसके बाद में परसेंटेज 0.1 LF मतलब एक रियल नंबर प्रिंट करेगा लेकिन उसमें परसेंट पॉइंट दशमलव के बाद में एक डिजिट प्रिंट करेगा। देन अगेन टैब अगेन परसेंटेज 4.1 LF मतलब फिर से एक नंबर प्रिंट करेगा जिसमें टोटल फोर डिजिट होंगी और पॉइंट के बाद में एक डिजिट। उसके बाद में 6.3 मतलब आगे सिक्स डिजिट में टोटल नंबर प्रिंट होगा जिसमें पॉइंट भी शामिल है और दशमलव के बाद में तीन डिजिट, और देन 0.7.4 मतलब टोटल सेवन डिजिट्स में और दशमलव के बाद में फोर डिजिट्स।
क्या प्रिंट होंगे, तो पहले कॉलम में x प्रिंट होगा, दूसरे कॉलम में पी जीरो एक्स प्रिंट होगा, तीसरे में पी वन एक्स, चौथे में पी टू एक्स एंड पांचवें में पी थ्री एक्स प्रिंट होगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं पहले कॉलम में x की वैल्यू 0.1 माइनस पॉइंट माइनस 1.0 माइनस 0.9 माइनस 0.8 माइनस 0.7 माइनस 0.6 एंड सो ऑन प्लस 1.0 तक हम ले रहे हैं। दूसरे कॉलम में हर जगह 1 है क्योंकि पी जीरो एक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तीसरे कॉलम में तीसरे स्तंभ में पी वन एक्स है और पी वन एक्स की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है वही रहेगी, तो वो भी सही है। चौथे कॉलम में पी टू एक्स और पांचवे कॉलम में पी थ्री एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट होकर प्रिंट हुई हैं। तो ये बहुत ही इजीली बहुत ही छोटे प्रोग्राम ने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। एक्स टू द पावर एन, एक्स की घात एन, एक्स रेज टू द एंथ पावर, इसको हम मैथ लाइब्रेरी यूज किए बिना रिकर्जन से कैसे कैलकुलेट करें। तो यदि x टू द पावर n को मैं f एक फंक्शन मानूं x और n का, तो ये होता है x टू द पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूं x टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, और फंक्शन के रूप में f x n इज इक्वल्स टू 1 इफ n इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी की पावर 0 करने पर वो 1 हो जाता है, और अदरवाइज इट्स x टाइम्स f x n माइनस 1। इसको फंक्शन के रूप में लिखूं तो यहाँ इंटीजर पावर इंट पावर नाम का एक फंक्शन लिया है जिसमें दो इनपुट पैरामीटर्स हैं, एक x और दूसरा n। ये रिटर्न 1 करता है यदि n की वैल्यू 0 है, else ये रिटर्न x टाइम्स एक पावर कम करता है। प्रोग्राम देखते हैं। तो जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन है वो n इक्वल टू 0 पर रिटर्न 1 करता है, else रिटर्न x टाइम्स खुद फंक्शन को कॉल करता है विद इनपुट पैरामीटर x एंड n माइनस 1। हम यहाँ पर मेन फंक्शन में कोई भी वेरिएबल x रीड कर रहे हैं और उसकी 1 से लेकर 10th पावर तक कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम कंपाइल रन करके देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन। कोई नंबर दें, नंबर हमने दिया 2, तो ये 2 की 1 से लेकर 9th पावर तक कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली। हम नंबर 3 लेके देखते हैं, 3 के लिए भी 3, 9, 27, 91 ठीक है, सही से कैलकुलेट कर रहा है। हम कोई और नंबर लेते हैं, हम 2.2 ले लेते हैं, तो 2.2 के लिए भी ये सही वैल्यूज कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। अब आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? तो सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन होती है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इंटीजर एक्स एंड वाई इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट यू ओनली डिवाइड्स बोथ एक्स एंड वाई। वो सबसे बड़ी संख्या, बड़ा सा, बड़े से बड़ा इंटीजर जो इंटीजर एक्स और वाई दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन है, या उसकी इस डेफिनेशन से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यदि किसी को एक कंक्लूजन चाहिए कैसे आया वो हमें मुझे कमेंट करके बताए, या किसी भी तरह से मुझे कहे, मैं उसका सॉल्यूशन भी करके डाल दूंगा। वो डेफिनेशन है जीसीडी एक्स और कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यदि किसी भी नंबर का जीरो के साथ जीसीडी देखा जाए या एचसीएफ देखा जाए तो वो नंबर खुद होता है, क्योंकि जीरो में सबका भाग जाता है। कितनी बार जाता है? जीरो टाइम्स जाता है। तो वो नंबर जिसका भी जीरो के साथ रिमाइंडर देखा जाता है वो खुद होता है। यदि दूसरा नंबर जीरो नहीं है
तो रिमाइंड जीसीडी क्या होता है, तो हम उस दूसरे नंबर का जीसीडी निकालें पहले नंबर में यदि दूसरे का भाग देने पर जो शेष फल आता है उसके साथ, तो वो सेम होगा। लेकिन इससे हम ये हमें एक आइडिया मिलता है कि हम इसको रिकर्सिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम एक फंक्शन लिखते हैं, किस तरह से जीसीडी निकालते हैं एक्स और वाई का। यदि वाई जीरो है तो ये रिटर्न एक्स कर दे, एक्स ही जीसीडी है। यदि ऐसा नहीं है तो ये फिर से उस फंक्शन को कॉल करें जिसमें पहला वेरिएबल उस पुराने वेरिएबल का सेकंड पैरामीटर था वो है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट पहला जो पैरामीटर है उसमें दूसरे भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये एग्जाम्पल है जिसमें जी सी डी वाई इज इक्वल्स, इफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो इट विल रिटर्न एक्स, एल्स इट विल रिटर्न जी सी डी ऑफ वाई कोमा एक्स परसेंटेज वाई। और फंक्शन में हम मेन फंक्शन में ए और बी डिक्लेयर किए, उनको रीड किया और उनका जी सी डी कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं 10 and 20। वाओ, 10 and 20 का 10 है, 20 and 10 दिस ऑल्सो सेम, 10 and 15 सही है, 15 and 10 दिस ऑल्सो फाइन, 100 and कोई ऐसा नंबर दे देते हैं 99 and 100 दिस ऑल्सो 7 and 100 ये भी 100 and 7 दैट्स ऑल्सो फाइन। नंबर देते हैं 120 and 105 15, सब कुछ सही है। तो ये सारे हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख चुके हैं, आंसर सही आ रहा है। रिकर्जन वर्सेस इटरेशन, इटरेशन और रिकर्जन इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या समानता होती है, क्या क्या होता है, ये देखते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। बोथ इटरेशन एंड रिकर्जन आर बेस्ड ऑन ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो इटरेशन है पुनरावृत्ति है या रिकर्जन है, वो दोनों ही कंट्रोल स्ट्रक्चर पे आधारित होते हैं। इटरेशन यूजेज ए रिपीटेशन स्ट्रक्चर, रिकर्जन यूजेज ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर। मतलब इटरेशन जब हमें करनी होती है, इटरेटिव जैसे हम लूप लगाते हैं, वहाँ हम एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर लगाते हैं, वहाँ रिपीट करते हैं कि एक प्रोसेस को। रिकर्जन क्या करता है, सिलेक्टिव सिलेक्शन स्ट्रक्चर करता है, सेलेक्ट करता है, वैल्यू चेंज करता है और फिर रिपीट करता है। बोथ इटरेशन एंड रिकर्जन इन्वॉल्व रिपीटेशन, दोनों में रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। इटरेशन एक्सप्लिसिटली यूजेज ए रिपीटेशन स्ट्रक्चर, इटरेशन उसमें साफ तौर पे पुनरावृत्ति होती है। रिकर्जन अचीव्स रिपीटेशन थ्रू रिपीटेड फंक्शन कॉल, और रिकर्जन जो है उसमें फंक्शन की कॉल, फंक्शन को हम बार बार कॉल करके एक रिपीटेशन क्रिएट कर लेते हैं। इटरेशन एंड रिकर्जन ईच इन्वॉल्व ए टर्मिनेशन टेस्ट, इटरेशन और रिकर्जन दोनों ही हैं, उनमें एक टर्मिनेशन टेस्ट होता है। मतलब एक कंडीशन होती है कि इसका कहाँ एंड होना है। इटरेशन टर्मिनेट्स व्हेन द लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन फेल्स, इटरेशन का तब एंड होता है जब वो लूप को ख़त्म करने की कंडीशन, लूप को कंप्लीट करने की, पूरा करने की कंडीशन इसको मिलती है। रिकर्जन टर्मिनेट्स व्हेन ए बेस केस इज रिकॉग्नाइज्ड, जबकि रिकर्जन है उसमें हम एक बेस केस देते हैं, वो जब मिलता है तब ये टर्मिनेट होता है। इटरेशन एंड रिकर्जन कैन अकर इनफिनिटीली, इटरेशन और रिकर्जन दोनों में इन्फिनिटी लूप बन सकता है, इन्फिनिटी टाइम्स हो सकते हैं। कब होते हैं, तो इटरेशन में जब लूप को फॉल्स कंडीशन कभी नहीं मिलती तो वो इन्फिनिटी लूप बन जाता है, और रिकर्जन में इन्फिनिटी लूप तब बनता है जब उसको बेस केस नहीं मिले, या प्रॉब्लम को इस तरह से हमने कन्वर्ज किया
प्रॉब्लम को इस तरह से लिख दिया कि वो बेस केस पे कन्वर्ज ना हो. रिकर्जन रिपीटेडली इन्वोक्स द मैकेनिज्म एंड कंसिक्वेंटली द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल. दिस कैन बी एक्सपेंसिव इन बोथ प्रोसेसर टाइम एंड मेमोरी स्पेस. रिकर्जन है वो एक ऐसी मैकेनिज्म काम में लेता है, ऐसी कार्य प्रणाली काम में लेता है जो एक फंक्शन को बार बार कॉल करती है. ये थोड़ी प्रोसेसर का टाइम ज़्यादा ले सकती है, मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले सकती है और थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है.